क्या नहीं पढ़े, क्योंकि बुक्स के अंदर भी क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक यूनिट, एक सब्जेक्ट, इतनी बड़ी बुक आ गई और उसके उसमें से क्या है कि हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है। अब इंटरनेट तो क्या है, सूचनाओं का भंडार है। इंटरनेट में तो क्या है, बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो हम क्या चीज़ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है दिमाग की दही हो गई। इसका समाधान ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस का क्या है, बहुत ढंग से विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, उस सिलेबस को कई बार पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शंकर पचौरी। MPPSC 2016 में मेरी 60 रैंक थी और MPPSC 2017 में मेरी 30 रैंक थी। तो साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली पेपर 3 के बारे में करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, और पिछले कुछ समय से जब से मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे जॉब से पहले या जॉब के साथ साथ जब भी फ्री मिलता है तो स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ, उस दौरान भी क्या है काफ़ी लोग मुझसे क्या है क्वेश्चंस पूछते थे। और इस चीज़ में क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट भी क्या है परेशान रहते हैं, उनको काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, और इसमें हम क्या है कि बेसिकली पेपर 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन के दौरान अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस वीडियो का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर 3 बेसिकली क्या है, ठीक है। MPPSC ने अपने सिलेबस में लिख दिया है विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या हकीकत में यह साइंस है या टेक्नोलॉजी है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका एक पार्ट है, उस चीज़ को क्या करेंगे हम डिटेल में देखेंगे। इसके आगे प्रॉब्लम्स या डाउट्स या क्वेश्चंस, यानी कि स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के जो भी समस्याएं आ रही हैं या उनके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस उन लोगों ने मुझसे पूछे हैं उनको सिस्टमेटिकली मैंने 6 प्रश्नों में 6 क्वेश्चंस में अरेंज कर लिया है, और वन बाई वन क्या करेंगे कि हम उन सारे 6 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में हम ये देखेंगे कि इन समस्याओं का क्या है सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या रहेगा हमारा कि सपोज दैट पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये सवाल, ये प्रश्न सही है या ये सिर्फ एक भ्रम है, एक मिथ है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन जेन्युइन है तो फिर क्या करेंगे, इसके साथ में हम इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। इसी पैटर्न में से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन, और ऐसे करते करते पूरे 6 क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप में हम लेंगे स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, कि तैयारी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, और इसमें देखेंगे कि तैयारी के दौरान हमें कैसे कैसे अपनी रणनीति बनानी है। तो पहली स्टेप में देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, क्योंकि पेपर बहुत डाइवर्स है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट के लिए अलग अलग बुक्स लगती हैं, इंटरनेट का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसको देखेंगे कैसे पढ़ें उसको, फिर कैसे उससे नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्स को कैसे बार बार मेमोराइज करें, और उनसे फाइनली शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और लिखने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसकी अगली स्टेप में हम लेंगे डूज एंड डोंट्स, कि तैयारी के दौरान और जब हम परीक्षा देने जाते हैं उस समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस बात को क्या है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा रहेगा सक्सेस की, हमारी सफलता की चाबी क्या है और सफलता को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली इस पेपर में। देखिए, ये पेपर क्या है, बहुत ही डाइवर्स है और स्कोरिंग भी है। अगर इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी रैंक बहुत ऊपर आ जाएगी, और इसमें अगर हमने कंपैरेटिवली वीक परफॉर्मेंस रखा तो हो सकता है कि हमारी रैंक नीचे आ जाए या हम सिलेक्शन से बाहर ही आ जाए। तो अंत तक बने रहें और वन बाई वन सारी चीज़ों को देखें। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली स्टेप ले रहे हैं, व्हाट इज पेपर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि MPPSC 2020 के सिलेबस में एक लाइन लिखी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी। तो हम ये देखते हैं कि हकीकत में ये पेपर विज्ञान है, तकनीकी है, या दोनों है, या फिर विज्ञान एवं तकनीकी क्या है इसका एक ही पार्ट है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस मैंने लिया है, ये सिलेबस 2020 के सिलेबस के अनुसार है,
ठीक है, यही चीज जो लोग 2019 की परीक्षा दे रहे हैं उनको भी क्या करेगा, एज इट इज पेपर थ्री में साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट वाले पार्ट में, जिसको हम पार्ट ए बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। अगर इसकी यूनिट 6 और यूनिट 10 दैट इज सोशल स्कीम्स और जियोलॉजी को हटा दें तो बाकी का पूरा सिलेबस सेम वही है जो 2019 के पेपर थ्री के पार्ट ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर यूनिट 1, 2, 3 जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि साइंस है ये। यूनिट 4 जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम इंटरनेट भी देखेंगे, ई गवर्नेंस देखेंगे और सोशल मीडिया देखते हैं। यूनिट 5 जो है वो बेसिकली मैथमेटिक्स है। यूनिट 6 जो है वो सोशल स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ इश्यूज या हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन से। इससे पहले वर्ष 2019 तक ये वाला पार्ट आपके पेपर 2 में पार्ट बी में था और अभी क्या है, यहाँ पे आ गया है। फिर देखते हैं यूनिट 7, तो ये टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये वाला पार्ट हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है। इसके बाद क्या है, यूनिट जो 8 है वो एनर्जी है। एनर्जी का मैनेजमेंट कैसे करना है, एनर्जी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है, ठीक है, और फिर जो हमारी है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो वो सब क्या है हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। यूनिट 9 जो है वो आपका एनवायरनमेंट है और यूनिट 10 जो है वो बेसिकली जियोलॉजी है, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को देखेंगे तो इसमें ये यूनिट 1, 2, 3 को हम कह सकते हैं कि साइंस है, ये तो एज इट इज टेक्नोलॉजी है ही है, और थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और थोड़ा सा हमारा क्या है एनर्जी का, एनर्जी के अंदर भी क्या है हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो ये बात क्या है पूरी तरीके से गलत होगी। इसका मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम एट मैक्स 50% जो पार्ट है वही क्या है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बाकी के और भी चीजें क्या है इसके अंदर हैं। तो समझ गए साथियों कि यूनिट ये हमारी स्टेप 1 क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम आएंगे स्टेप 2 पर और स्टेप 3 पर, और इसको क्या है हम साथ में लेके चलेंगे। चलिए तो मैं 1 by 1 क्वेश्चंस लेता हूं और फिर इनको क्या करूंगा मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टेप 2 को शुरू करते हैं और इसके साथ में क्या करेंगे हम स्टेप 3 को भी लेके चलेंगे। 1 by 1 क्वेश्चंस ले रहे हैं फिर उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, जैसे बहुत से लोगों को ये लगता है, कई स्टूडेंट्स को, कि इंजीनियर्स और साइंस बैकग्राउंड वालों को ये सब्जेक्ट या ये पेपर बहुत आसान पड़ता है और आर्ट्स वालों को टफ पड़ता है। अब बात ये आती है कि ये प्रश्न सही है या ये प्रश्न क्या है, एक भ्रम है, मिथ है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कुछ है कि इंजीनियर्स ने या साइंस बैकग्राउंड वालों ने इस सब्जेक्ट का ठेका ले लिया है, बताइए, या कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम पे बन गया है, या उनको कोई ऐसा विशेषाधिकार मिल गया है MPPSC की तरफ से कि आप ही स्कोर करोगे बाकी तो नहीं करेंगे, या आर्ट्स बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के या नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग कहाँ जाएंगे, उनका भी तो बराबर हक है कि नहीं है, बताइए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल भ्रम है। देखिए मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया है, मैंने BHEL में जॉब की है, तो मेरा बैकग्राउंड साइंस का और टेक्नोलॉजी का है, तो इसका कहीं से मतलब ये निकलता है कि मैं हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या आर्ट्स के सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। MPPSC 2017 में पेपर 1 में मेरे 180 मार्क्स थे मेंस में, ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी 90, हिस्ट्री वाले पार्ट में भी 90, मेरा तो कहीं से भी बैकग्राउंड नहीं था। और पेपर 3 जो कि साइंस का है बेसिकली, इसमें मेरे 176 या 175, 180 के आसपास थे, रफली बराबर ही हैं जिसमें मेरा बैकग्राउंड है। तो ऐसा क्या हो रहा है, एक ही चीज़ इसमें मैटर करती है, वो होती है आपकी अप्रोच, कि आपकी अप्रोच सही है तो आप इसमें स्कोर अच्छा करेंगे, आपकी अप्रोच सही नहीं है तो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसको मैं एक चीज़ से और समझाऊंगा आपको कि ये परीक्षा जो है वो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है, ठीक है, जिसमें आप सामान्य प्रशासन का अंग बनने जा रहे हैं, आपसे विशेष नॉलेज की अपेक्षा नहीं की जाती। विशेष नॉलेज के लिए अगर उनको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विशेष रूप से पूछनी होगी तो उसके लिए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा, या उनको मेडिकल से रिलेटेड डिटेल में पूछना होगा तो उसके लिए मेडिकल सर्विसेज हैं, राज्य ये चिकित्सा सेवा जो बोलते हैं वो होगी। तो आपसे तो अपेक्षा की जाती है कि कोई भी टॉपिक हो आपको उसकी सामान्य जानकारी हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जानकारी सटीक
और जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उसके रेलेवेंट होनी चाहिए, उसके संदर्भ में होनी चाहिए। हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है, समझे बात को? पहली चीज क्लियर हो गया, तो इस भ्रम से क्या करेंगे आप बिल्कुल दूर रहेंगे। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पिछले साल का रिजल्ट उठा के देखें, कितने भी साल का ले लें, 2014, 15, 16, 17 या 18, आप कोई भी पोस्ट ले लें, डीएसपी ले लें, डिप्टी कलेक्टर ले लें, उसकी अगर आप लिस्ट देखेंगे, चयन सूची देखेंगे, तो उसमें आपको सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट मिलेंगे। तो चाहे वो इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से क्या है, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। समझ गए बात को? तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया और उसका समाधान भी क्या है हमें मिल गया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। बताइए, ऐसा है कि नहीं है? बहुत से लोगों को लगता है कितनी भी मेहनत कर लो, 140 प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा 150, कितने ही मार्क्स आते हैं। ऐसा है? ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल भी भ्रम है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे जो चीज़ पूछी गई है आप उसका सटीक आंसर लिखते हैं, ठीक है, और जो चीज़ पूछी जा रही है उसी के कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं, उसी के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज, जैसे इसके अंदर एक मैथ्स वाली यूनिट है, यूनिट 5 थी जो मैंने आपको बताई थी, तो यूनिट 5 के अंदर मैथ्स आ रहा है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें पूरे नंबर मिलते हैं। 5 नंबर का सवाल है तो 5 मिलेंगे, 6 का है तो 6 मिलेंगे, 15 का है या 11 का है तो 15 या 11 ही मिलेंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि पूरा उत्तर जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखा और आंसर सही निकाला। तो अल्टीमेटली वही चीज़ मैटर करती है जो आपकी अप्रोच सही होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, पर्यावरण का है, और उससे आपको बताऊँगा कि लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, और क्या लिखना चाहिए जिससे उनको नंबर मिलेंगे। देखिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, पिछले साल में आया है मेंस के अंदर, 16 या 17 की बात है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के स्तर पर किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो बात क्या पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, और भारत के प्रयास, समझे? अब देखिए भारत के प्रयास पूछ रहा है। एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे संभावित प्रश्न ये भी बनता है कि ये पूछ लेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास किए गए हैं, उसको हम बाद में देखेंगे जब डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है कोर्स ओवरव्यू का, वहां पर भारत के प्रयास। अब कुछ लोग बोलेंगे भारत ने क्या किया, प्रयास किए हैं कि अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाए, भारत ने ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिनसे क्या है कि वनों की अंधाधुंध कटाई जो है उस पर रोक लगे, ठीक है, भारत ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है जो क्या करती है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम करती है, ठीक है, जल प्रदूषण को रोकने का काम करती है। ये क्या हो गई, सामान्य सी बात हो गई। इसको क्या है कि मैं बिल्कुल टेक्निक के साथ में लिखूंगा, टेक्निकल आंसर जिसको बोलेंगे, और मैं यहाँ पर पॉलिटी का यूज़ करूँगा। देखिए भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं थोड़ा सा, चलिए भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 48 का, 48 सब क्लॉज ए, 48 का क्या कहता है, 48 का बेसिकली है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये आर्टिकल कहता है कि भारत के हमारे राज्य का या हमारी स्टेट का ये दायित्व होगा कि पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास करे। आसान बात है, बता रहा हूँ, आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं, एज इट इज, वो आर्टिकल की लैंग्वेज नहीं ले रहा हूं। बताइए ये प्रयास है कि नहीं है, कि राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 का ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो राज्य के प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि क्या करे, वो पर्यावरण का संरक्षण करे, जीवों के प्रति दया भावना रखे, ठीक है, जो वाइल्ड स्पीशीज है हमारी, एनिमल्स है, प्लांट है, उनका क्या करें, हम लोग कंजर्वेशन करें। ऐसे ही हमारा आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 बेसिकली क्या है, राइट टू लाइफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी व्याख्या की है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, क्या बोला है, कि किसी भी व्यक्ति को राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार तभी मिलता है जब उसको क्या है, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब हम सब लोग मिलके गवर्नमेंट और आम इंसान, जनता क्या प्रयास करेगी, पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास करेगी। समझे कि पॉलिटी से कैसे रिलेट कर रहे हैं हम इसको। चलिए इसके अलावा क्या है कि हमने बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की है।
चलिए स्थापना देखते हैं, जैसे CPCB 1974 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना की है। ये क्या कर रहा है, इसके लिए कार्य कर रहा है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में हम क्या कर रहे हैं, लेके आए हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने संविधान के आर्टिकल की बात कर ली, यहाँ पे संस्था की बात कर ली, और इधर हम क्या हैं, एक्ट की, अधिनियम की बात कर रहे हैं। ऐसे ही वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया है, 1981 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है। तो ये सब बातें क्या है हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हम क्या है कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा रहे हैं। और देख सकते हैं NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ये भी क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसी संस्था है जो निरंतर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी संधियां हो रही हैं, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें क्या है, भारत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप और बताइए कि हमने इतना लक्ष्य रखा है, ठीक है, कुछ चीज़ें कि इतना हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे, लेकिन डेटा के साथ में। तो ये क्या हो गया आपका, कॉन्क्रीट आंसर हो गया, टेक्निकल आंसर हो गया। और इस तरीके से आप डील करेंगे तो आपको क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है कि 5 में से 4.5 भी मिल जाए। ठीक है, तो ये बात कि इस पेपर पर ना मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल भ्रम है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इस पेपर को कैसे डील करना है। देखिए, थोड़ा मैंने आपको डिटेल में बताया, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी रहेंगी, क्वेश्चन की ग्रेविटी पे, लेंथ पर डिपेंड करेगी। अगर 5 नंबर का सवाल है तो इसकी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें, इसका 50% लिख सकते हैं आप। अगर 11 नंबर का सवाल है तो ये सारी बातें क्या है, आप उसके अंदर लिख सकते हैं। समझ गए साथियों, चलिए आगे आते हैं। एक प्रश्न क्या, देखिए एक स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि इसमें तो कोई अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, यानी कि जितनी भी भीड़ है जो मेंस लिखने जा रही है वो इस पेपर के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है। तो सवाल लेते हैं, क्या मैं इस पेपर में बिना अच्छे मार्क्स लाए सिलेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, चलिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अच्छे मार्क्स कितने हैं आपके, 180+। ठीक है, और एवरेज मार्क्स कितने हैं आपके, 140+, 140। अब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं 140 के आसपास या एवरेज मार्क्स लेके आता हूँ तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा अच्छी रैंक के साथ में। ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल गलत है, ये भ्रम है। देखिए, अभी मैंने आपको टेक्निक बताई, उस टेक्निक से चलेंगे तो आप 180+ लेके आ सकते हैं, 200 भी आते हैं। कितने नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 40 नंबर का। 40 नंबर तो अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नंबर है। एक नंबर से आप डिप्टी कलेक्टर से DSP बन सकते हैं, एक नंबर से आप DSP से किसी क्लास 3 में आ जाएंगे, और एक नंबर से आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। सोचिए उन लोगों को कैसा लगता होगा जिनका कट ऑफ एक नंबर से रुकता होगा कि एक नंबर और आया था और मैं सिलेक्ट हो जाता। एक एक नंबर का क्या है महत्व है इस पेपर के अंदर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 40 नंबर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, अनटिल और अनलेस आप सारे पेपरों में अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप क्या है टॉप रैंक में सिलेक्ट हो पाएंगे। समझ गए दोस्तों। चलिए, तो हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए इसमें, 3 क्वेश्चन हमने अभी डील कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, 3 प्रश्न और लेते हैं, 3 हमारे हो चुके हैं। एक प्रश्न ये आता है कि इसका ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है इंटरनेट पे, कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ हमें इसका मटेरियल मिल जाए, और जो लोग कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं उनको ऐसा लगता है कि अच्छे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉपिक बहुत सिर्फ पेपर बहुत डाइवर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 10 यूनिट हैं, आप सोचिए कि 10 यूनिट पढ़नी, तो यानी 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 10 सब्जेक्ट के लिए क्या है अलग अलग बुक्स चाहिए, आपको इंटरनेट का भी सारा लेना है। तो क्या है कि चीज़ें बहुत डाइवर्स हैं, बहुत फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट्स का बिल्कुल जेन्युइन है। इसके लिए आपको क्या है कि कुछ बेसिक बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, इंटरनेट का सहारा भी लेना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स की मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी, और वहाँ से क्या है कि आपको चीज़ों को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इन सबका सोल्यूशन बताऊँगा मैं आपको। ये चीज़ों का सोल्यूशन क्या, जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट देखेंगे ना, तो वहाँ मैं आपको बुक्स की लिस्ट भी बताऊँगा, वहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में। अगला प्रश्न आता है, कौन सी बुक्स पढ़ें, बुक्स से क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि बुक्स के अंदर भी क्या है कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक यूनिट, एक सब्जेक्ट, इतनी बड़ी बुक आ गई, और उसमें से क्या है कि हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो
तो ये वाली बात भी सही है। अब इंटरनेट तो क्या है, सूचनाओं का भंडार है, इंटरनेट में तो क्या है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो हम क्या चीज पढ़ें क्या नहीं पढ़ें समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है दिमाग की दही हो गई, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे स्ट्रेटजी में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, समाधान क्या है। इसका समाधान ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस का क्या है बहुत ढंग से विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, उस सिलेबस को कई बार पढ़ें, पहली चीज। इसके साथ में आप क्या करेंगे कि पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी, उनको भी क्या है, उनका भी आप एक बार स्टडी करें और फिर एनालिसिस करके और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि सिलेबस को लेके और प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके आप क्या करेंगे, टॉपिक्स की लिस्ट बना लेंगे। अब उस टॉपिक को देखेंगे कि इस टॉपिक की ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से मेरा मतलब है आसान भाषा में साइज, कि वो टॉपिक बड़ा है या छोटा है। अगर टॉपिक छोटा है तो संभवतः है उससे 3 नंबर का सवाल ही बनेगा, मीडियम साइज का है तो 5 या 6 का बनेगा नए और पुराने पैटर्न के हिसाब से, और बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है कि 11 नंबर का बने या 15 नंबर का बने, ठीक है। तो जैसे टॉपिक का साइज है उसके अनुसार क्या है कि आप उसके अंदर पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लीजिए, छोटा है तो 3 से 4 पॉइंट, बड़ा है तो 5 से 6 पॉइंट, और ज़्यादा बड़ा है तो 10 से 15 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, समझ के। अब आपको क्या करना है कि उन नोट्स को क्या करना है, बार बार मेमोराइज करना है, रिवाइज करें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके बैक ऑफ माइंड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि जो मैं नोट्स बनाए हैं उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं भूलता हूँ, ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका रिवीजन करना एग्जाम से जस्ट पहले मेरे बहुत आवश्यक है। तो आप क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें आपकी भूलने वाली हैं, जैसे कोई फैक्ट हो गया, डेटा हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई नंबर हो गया, ठीक है, कोई परसेंटेज का डेटा हो गया, तो उसको आप क्या करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लेंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम दो पेपरों के बीच में माना 1 दिन का गैप है या 1 भी दिन का गैप नहीं है, जब आपको कुछ ही घंटे रिविजन के लिए मिलते हैं तो आप अपने सिलेबस को आप उन शॉर्ट नोट्स के द्वारा क्या करेंगे तुरंत रिवाइज कर लेंगे, ठीक है साथियों। इसके अलावा एक चीज़ और करनी है, क्योंकि पेपर क्या है थोड़ा सा डायनामिक है, तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आप पढ़ते हैं उसमें से साइंस एंड टेक वाला पार्ट या ऐसी चीज़ें जो इस पेपर से रिलेवेंट है उनको भी क्या करें अपने नोट्स में लिख लें और उसी के अनुसार उसके 3 पॉइंट 5 पॉइंट अपने नोट्स के अंदर डाल लें, ठीक है। चलिए तो हमारे कितने प्रश्न हो गए, 3 पहले हो गए थे, 3+2 हो गए, अब एक लास्ट बचा है उसको भी लेते हैं। लास्ट में ये आता है कि एग्जाम में आंसर में क्या लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। देखो भैया ये चीज़ तो ऐसी है जो अनुभव से आती है, लेकिन इसका काफ़ी हद तक सॉल्यूशन बता दिया कि जो शॉर्ट नोट्स या जो नोट्स आपके पास होंगे उसमें आपके पास क्या होंगे, कोर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो कोई भी अनुभवी व्यक्ति है थोड़ा, या आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं या जिसके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे आप क्या करें कि किसी भी क्वेश्चन को लें, उसका आंसर लिखें, उसको उन पॉइंट्स को डालें और आप मार्गदर्शन उनसे ले सकते हैं। एक चीज़ और भी होती है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें डालनी चाहिए और ये चीज़ छोड़नी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप अपने स्तर पर भी क्या है इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है 6 प्रश्न हो गए और ये वाली स्टेप क्या है हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये वाली स्टेप 2 और स्टेप 3 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई जी। साथियों जो अप्रोच मैंने आपको बताई है ये अभी हमने 6 सवाल डिस्कस किए हैं, ठीक है, और इन सवालों का जो मैंने जवाब दिया है तो मैंने आपको बताया कि आपको किस किस तरीके से मेहनत करनी है। इसके अतिरिक्त मैं भी एक कोर्स लेके आया हूँ और जिसका जो बेस है, जो उसका आधार है, वो 2 चीज़ों पे आधारित है। पहला ये कि मेरा जो पिछला टीचिंग का अनुभव रहा है वो, और दूसरा ये कि जो मैंने खुद परीक्षा पास की है वो। तो इन दोनों के चीज़ पे मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें मेरी लाइव क्लासेज रहेंगी और उसके साथ में क्या है कि वीकली क्या है डाउट सेशन की भी क्लास रहेगी, ठीक है। ओवरऑल कोर्स में क्या रहेगा कि हम यूनिट बाई यूनिट सबको पढ़ेंगे और यूनिट बाई यूनिट, सपोज डेट अगर हमने एक यूनिट ले ली, उस यूनिट को क्या है कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट, सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उसको हम प्रायोरिटी वाइज क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, कौन सा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम इसको रिलेट करेंगे पिछले साल के
पेपर से, यानी पिछले साल के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम इससे रिलेट करेंगे, या ऐसे क्वेश्चंस जो क्या है आगे संभावित हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या क्वेश्चंस हम जो डिज़ाइन करेंगे उन क्वेश्चंस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ताकि जितना समय हमें एग्जाम के अंदर मिलता है उसमें हम क्या करें, अधिक से अधिक मार्क्स लेके आ जाएं, ताकि आपका ओवरऑल स्कोर क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आपका लाभ ये रहेगा कि जो आपको मेहनत अपने स्तर पर करनी है कि इस बुक से मुझे संसाधन जुटाने हैं या इंटरनेट से मुझे पढ़ना है, वो आपको नहीं करनी रहेगी। हम आपको सिंथेसाइज्ड फॉर्म में एक कहेंगे कि उसको पकी पकाई चीज़ क्या है दे देंगे, आपको फिर उसके बाद में क्या है मेहनत करनी है। तो अगर इस कोर्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़ना चाहें, मेरे साथ मेहनत करना चाहें, तो आप वो भी क्या है कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल जो है वो हमारा जो कोर्स का ओवरव्यू है जो परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल है वहाँ आप देख सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो परीक्षा ऐप को भी क्या है डाउनलोड करें। तो चलिए साथियों, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्टेप लेते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, की तैयारी की रणनीति कैसे बनाएं। इसका और डूज एंड डोंट्स का काफ़ी हिस्सा क्या है हम इन प्रश्नों में, इन प्रश्नों का जो मैंने जवाब दिया है, डिस्कस किया है, वहाँ पे हम कवर कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन की आपकी पहली स्टेप होती है कि आपको मालूम हो कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल होगा, चाहे वो डाइवर्स ही क्यों ना हो, तो हमें फ़ायदा रहेगा। मैं आपको बुक्स की लिस्ट बता रहा हूँ। यूनिट 1-3 के लिए आप 6-10 की साइंस की एनसीईआरटी ले सकते हैं, और इसके साथ में एक कोई भी स्टैंडर्ड साइंस की बुक, चाहे वो ल्यूसेंट की हो या अरिहंत की हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगी। यूनिट 4 जो कंप्यूटर की है, उसके लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ल्यूसेंट कंप्यूटर ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट परीक्षा मंथन ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आपको इंटरनेट से भी पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी ल्यूसेंट जीके की बुक आती है उसके पीछे कुछ कंप्यूटर की एक यूनिट है जिसमें कुछ कंप्यूटर की जानकारी दी है, आप उसको भी क्या है पढ़ेंगे। यूनिट फाइव जो है मैथमेटिक्स वाली, ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एक RS अग्रवाल की एटीट्यूड की बुक आती है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन इससे क्या है आप घबराएंगे नहीं, उस बुक को ले लें और टॉपिक उसमें सेलेक्ट कर लें जो क्या है कि आपके यहाँ पर सिलेबस में दिए हैं, और उस बुक के अंदर भी सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप उतने ही सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको फील आ जाएगा कि हाँ ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डील कर लूँगा। क्वेश्चंस बहुत हैं, उतने नहीं करने हैं, सिलेक्टेड करने हैं, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इससे करेंगे तो आपकी कमांड बिल्कुल आ जाएगी। यूनिट 6 और 7, यूनिट 6 जो है बेसिकली आपकी सोशल इश्यूज वाली है, यूनिट 7 जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी है। तो इसके लिए देखिए, आप मेनली इंटरनेट पर डिपेंडेंट रहेंगे, इंटरनेट से ही आपको पढ़ना है, और कोई भी लोकल राइटर की बुक ले सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये आएगी कि लोकल राइटर की बुक आपको हिंदी मीडियम में मिलती है, जैसे महावीर पब्लिकेशन की है। तो यूनिट 6 जो है वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, तो इसके लिए पेपर 2 में जो पार्ट 2 है उसकी बुक से हेल्प रहेगी, और यूनिट 7 जो है आपकी टेक्नोलॉजी, ये पेपर 3 का पार्ट A वाली बुक रहेगी, तो ये आप ले सकते हैं, वो क्या है थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर देंगी। महावीर पब्लिकेशन की आती है इसमें, और वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित है, अर्थात 2019 तक के पैटर्न के लिए वो क्या है डायरेक्टली लिखी गई है। यूनिट 8 और यूनिट 9 के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट शंकर IAS की एक एनवायरमेंट की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, प्लस इंटरनेट, और हिंदी मीडियम वाले परीक्षा मंथन की बुक आती है, प्लस इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 10 के लिए आप कोई भी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक ले सकते हैं, जो यहाँ से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो इंग्लिश मीडियम के एक GC Leong की बुक आती है, एक अच्छे राइटर हैं, फॉरेन राइटर हैं, वो ले सकते हैं, GC Leong, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले सविंदर सिंह की ज्योग्राफी की बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या है ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ बुक्स स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इसमें क्या है चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली उसमें से चीज़ों को छांटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या है कि आप करंट अफेयर्स के लिए कोई एक अच्छी मैगजीन लीजिए, और उसमें जो साइंस एंड टेक या पेपर 3 का जो पार्ट है उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनके नोट्स बना सकते हैं। साथ साथ आप रिसेंट की जो GK की बुक है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और SNT का पोर्शन दिया है, जहाँ कुछ डिफेंस वाली चीज़ें हैं, स्पेस वाली चीज़ें हैं, उसको भी क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ साथ पेपर का और सिलेबस का एनालिसिस तो आप करेंगे ही, समझ गए। स्टेप तो बुक्स हो गई हमारी। अब बुक्स के अलावा मैंने आपको एक दूसरी पहले बता चुका हूँ मैं कि बुक्स के अतिरिक्त आपको क्या करना है, बुक्स को अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार, और उसमें से टॉपिक को छांटना है, और टॉपिक से जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अपने नोट्स के अंदर डालने हैं, और इन नोट्स को क्या करेंगे आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है।
स्टेप थ्री में आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ में आप क्या कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, तो टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पर वही माहौल मिलेगा जो आपको एग्जाम के अंदर मिलता है। इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि घर पर बैठ के स्टॉपवॉच या मोबाइल में टाइम सेट करके और क्वेश्चन की ग्रेविटी के अनुसार, या क्वेश्चन बड़ा है या जितना उसके लिए टाइम अलॉटेड रहता है, अगर 3 नंबर का सवाल है तो 1.5 मिनट, 5 या 6 नंबर का सवाल है तो 3 से 4 मिनट, और 11 नंबर का सवाल है तो 7 मिनट, 15 नंबर का सवाल है तो 9 मिनट ऐसे लगाएं और आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन भी क्या हो गई, हमारी क्लियर हो गई। अगली स्टेप लेते हैं डूज एंड डोंट्स की, भैया डूज क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथियों पहली बात कि इस पेपर से हम बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है, इंसान ही करते हैं, हमारे जैसे इंसान ही करते हैं, हमसे पहले भी करते हुए आए हैं और हमसे आगे भी करते हुए रहेंगे, बस अंतर ये रहेगा जिनकी अप्रोच सही है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनकी अप्रोच सही नहीं है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, तो हमें इस परीक्षा को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, हार नहीं माननी है, एक बार नहीं होगा दूसरी बार होगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा तीसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार समझ में नहीं आएगा चौथी बार पढ़ेंगे, ठीक है, कभी तो आएगा और आने के बाद में नोट्स तो बनाएंगे, तो छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, इससे लड़ना है। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतना ही फल आपका मीठा होगा, समझ गए बात को। ये पेपर क्या है, बहुत स्कोरिंग है, आपकी रैंक डिसाइड कर देगा, आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, 40 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं आपको करनी है। अगला क्या काम है आपका, कि भैया नोट्स बनाने हैं, नोट्स छोड़ने नहीं है, नोट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, नोट्स वो है जो आपकी नैया को पीएससी में पार लगाएगा, और जिनके पास नोट्स नहीं होंगे वो रोएंगे, नोट्स बनाना एक्सट्रीमली मैंडेटरी है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम नोट्स नहीं बनाएं। ये होता है, सबके साथ होता है कि आज मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूं तो मुझे बड़ी आसान लगने लगती है, अरे ठीक है अब तो मैं कर दूंगा लिख दूंगा ये वो, लेकिन आप सोचिए कि आज से परीक्षा, माना 2019 की जब भी होगी या 20 के परीक्षा को 1 साल है मेंस का, तो आज बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब परीक्षा को 1 महीना रह जाएगा तब आप कहाँ से रिवाइज करेंगे, 6 सब्जेक्ट के 6 पेपर आपको कंडेंस करने हैं, कवर करने हैं, तो नोट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ में क्या है, शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के बीच में जब 1 दिन का गैप मिलता है या 1 भी दिन का गैप नहीं मिलता और पढ़ने के लिए 3-4 घंटे ही होते हैं, तब क्या है शॉर्ट नोट्स क्या है आपके लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करते हैं। और परीक्षा के दौरान क्या करना है, डूज एंड डोंट्स थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, समझ गए। दूसरी चीज़ ये है कि ना हमें ज़्यादा लिखना है ना हमें कम लिखना है, हमें इतना लिखना है कि हमारी चीज़ें क्या है ऑप्टिमाइज हो सके। अगर लग रहा है कि हमारी स्पीड कम है तो पहले स्पीड बढ़ाएं, और फिर भी बात नहीं बन रही है थोड़ा थोड़ा क्या है कंटेंट कम करते जाएं, लेकिन पेपर को क्या करना है हमें पूरा करना है। इसके अलावा क्या है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर क्या करेंगे बिल्कुल सही निकाल देंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो मैथ्स का हमें क्या है पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लास्ट है हमारा सक्सेस की, तो सक्सेस की में साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज के लिए एक ही सफलता की चाबी है, वो है हमारा स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप डेफिनेटली क्या है इस पेपर में नहीं पूरी पीएससी की परीक्षा में क्या है सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे और दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ये काम आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं और ये काम क्या है आप हमारे साथ भी जुड़ के कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर में लाइव क्लासेस रहेंगी मेरी, और उन लाइव क्लासेस के साथ में वीकली हमारा क्या है डाउट सेशन भी रहेगा, तो डाउट सेशन की क्लास भी रहेगी। डिटेल में इस चीज़ को मेरा स्ट्रेटजी का वीडियो, सॉरी मेरा कोर्स ओवरव्यू का वीडियो है जो परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध है, तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और मेरे साथ अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ें, मेरे अनुभव का क्या है यहाँ पे आपको पूरा फायदा मिलेगा। इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले तो हम यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके साथ में क्या है कि हम प्रत्येक यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनको क्या करेंगे प्रायोरिटी वाइज अरेंज करेंगे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा है जिससे क्या है क्वेश्चन प्रोबेबल कम है, ऐसे करेंगे। तो डिटेल में क्या है पूरे कॉन्सेप्ट पूरे फैक्ट पूरी नॉलेज को लेंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी उसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स नहीं कहेंगे, शॉर्ट नोट्स और आपके डिटेल नोट्स के बीच की जो चीज़ होती है, ठीक है, सिनॉप्सिस फॉर्म में वो सब रहेगा। और फिर क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखना है कैसे लिखना है ताकि क्या है हमारे मार्क्स ऑप्टिमाइज हो सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय। आपके कोई भी डाउट्स हों तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर।
दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।